पांचवा पॉइंट, वो काम ही करें जो आपको सफल बनाएंगे। कौन से काम करने हैं? जो आपको सफल बनाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप यहां से घर गए, किसी दिन आपके पास टाइम है और आप घर गए और घर में जाके आपने नेटफ्लिक्स चला दिया और नेटफ्लिक्स पे आप एक फिल्म देख रहे हैं और 3.5-4 घंटे आपने खराब कर दिए, 2.5 घंटे खराब कर दिए, उस पिक्चर से आपको क्या मिलेगा? आप घर गए, चौक पे 4-5 आपके दोस्त खड़े हैं, वहां आप 1.5 घंटे खड़े हो गए, जो कि अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं, और इधर उधर की बात करने लगे दोस्तों, यारी दोस्ती के अंदर खड़े हो गए, उससे आपको क्या मिलेगा? आप घर गए, टीवी ऑन किया, एक मैच आ रहा है, आपने 4 घंटे मैच में खराब कर दिए देखने में, बड़ा मजा आता है कई लोगों मैच देखने में, उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा? कोई कॉमेडी शो आ रहा है, आप कॉमेडी शो में 2 घंटे खराब कर रहे हैं, उस कॉमेडी शो से आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। तो ये लाइन जो है इसके अंदर बहुत गहरी चीज है कि वो काम ही करें जो आपको सफल बनाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी अपलाइन से 1/2 घंटे बात करते हो, 15 मिनट बात करते हो, तो वो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है? नहीं ला सकता है। आप अगर नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड कोई अच्छी किताब पढ़ते हो, आपके जीवन में बदलाव आएगा या नहीं आएगा? आप अगर YouTube पे या Google पे कुछ देखना भी चाहते हो, तो नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग किसी लीडर की अगर आप देखते हो, तो आपके जीवन में सफल होने के लिए काम आएगी या नहीं आएगी? आप जूम मीटिंग के अंदर रेगुलर आते हो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेते हो, प्लान की ट्रेनिंग लेते हो, जूम मीटिंग में नए नए लीडर आते हैं, उनकी बातों को सीखते हो, आपके जीवन में बदलाव आएगा नहीं आएगा? इस तरीके की इवेंट, इस तरीके की मीटिंग अगर हो रही हो, उस इवेंट और मीटिंग में अगर आप आ रहे हो, आपके जीवन में बदलाव आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो इस लाइन को ध्यान रखें, वो काम ही करें जो आपको सफल बनाएंगे। आज के बाद हर काम करने से पहले आपको एक ही बात सोचनी है, क्या ये काम मुझे सफल बनाएगा या नहीं बनाएगा? आपके लिए जीवन में जीना, सफल होना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, जो आप सीख रहे हो क्या आप वो कर रहे हो? जो आप सीख रहे हो क्या वो आप कर रहे हो? 26 साल हो गए मुझे नेटवर्क बिजनेस की ट्रेनिंग देते हुए और लेते हुए। 26 सालों में लाखों लोगों से मैं मिला हूं, बहुत सारे लोग मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आते हैं, कुछ तो अगली मीटिंग में ही नहीं आते, कुछ कुछ महीनों में गायब हो जाते हैं और कुछ कुछ सालों में गायब हो जाते हैं। और मैक्सिमम लोगों को हम देखते हैं तो कहते हैं, सर मेहनत बहुत कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। उसका रीजन पता क्या है? उसका रीजन ये लाइन है, जो आप सीख रहे हो क्या वो आप कर रहे हो? उनको जो सिखाया जाता है, पहली बात तो वो सीखते ही नहीं है, और दूसरी बात जो सिखाया जाता है उसको कभी करते नहीं। तो क्या कभी पैसा आएगा? अगेन रिपीट करता हूं, एक बच्चा डॉक्टर बनने के लिए गया, उसके माँ बाप ने फीस भी दे दी, उसके माँ बाप ने उसको स्कूल कॉलेज भी भेज दिया, स्कूल कॉलेज जाने के बाद उसने बहुत मेहनत भी की, पढ़ाई भी की, उसको डिग्री भी मिल गई, ठीक है, डिग्री वगैरह सब कुछ मिल गई उसको, वो डॉक्टर बन गया। लेकिन वो क्लिनिक नहीं खोलता है, कहीं नौकरी नहीं करता डॉक्टरी की, क्या पैसा आएगा? इसका मतलब क्या है? उसने जो कुछ सीखा उस पर अमल नहीं कर रहा है, वो सारी डिग्री, सारा पैसा, सारा मेहनत उसका बेकार चला गया। ऐसे नेटवर्क बिजनेस में हम देखते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, नोट भी सब करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, वीडियो भी देखते हैं, जूम में भी आते हैं, सेमिनार में भी आते हैं, लिखते भी हैं, सब कुछ करते हैं, सीधे सीधे लफ्जों में बोलूं तो एजुकेशन का गोदाम बन जाते हैं, लेकिन जो सिखाया जाता है उस पर अमल नहीं करते हैं। क्या वो जीवन में कभी कामयाब हो सकते हैं? नहीं हो सकते।